राम राम सर सभी को, खम्मा गणी सर, राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों अब हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जयपुर के अंदर जहां कचोरी 1962 में स्टार्ट हुई और आज लगभग हो गए उनको 61 साल। तो चलिए सबसे पहले बताते हूँ नाम क्या है और लोकेशन क्या है। ये है वो जगह जिनका नाम है सम्राट शॉप नंबर 273 और ये जो है इसे चौड़ा रास्ता बोलते हैं, त्रिपोलिया बाजार के बहुत पास है। बाकी इस जगह की लोकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गूगल मैप की, गूगल पे भी सर्च करके पहुंच सकते हैं। और किसने शुरुआत की? दादाजी ने। तो उनका नाम क्या था वैसे? जुगल किशोर जी। तो ये सम्राट किसके नाम पे रखा गया है? नाम का ऐसे सिलेक्शन लिया गया था, चार पांच जने बैठ करके आपस में दादाजी को सम्राट बोला करते थे, तो उन्होंने फिर सम्राट नाम सजेस्ट कर दिया। पुराने टाइम पे मतलब रोज चार पांच जने आपस में गप्पे शप्पे मीटिंग करना ऐसे, तो दादाजी की सर्कल थी, तो जब नई ब्रांच खोली तो उसका नाम भी सम्राट ही चला गया। तो शुरुआत मतलब किससे हुई थी, क्या मिलता था इस दुकान पे? शुरुआत में केवल चाय और भजिए, आलू का भजिया, मिर्ची का भजिया। तो वो आज भी मिलता है? नहीं, अब पैटर्न चेंज हो गया, कचौरी समोसे के साथ साथ कम से कम 40 तरह के नाश्ते की वैरायटियां बनती है। तो मतलब लोग ज्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं? कचौरी समोसा तो है ही अपने। अच्छा, अब और वैरायटी में पोहा, खम्बन, सैंडविच, वड़ा पाव, दावेली, दाल पकवान, सब्जी, अब नए वैरायटी, नई सब, वो जनरेशन वही बात। तो कचौरी कौन सी ज्यादा, प्याज की या दाल की ज्यादा? दोनों। प्याज की कचौरी कितने की है? 35-35। भैया ये क्या है? ये चटनी है। किसकी चटनी है? ये दही, पुदीना, नारियल, बुरायदा, कतौड़ी, काजू। अच्छा, ये सब चटनी देते हो आप? हाँ। ये मतलब बेसिकली किसके साथ दी जाती है? कचौरी समोसा, प्याज कचौरी, मिर्ची वड़ा, ब्रेड पकौड़ा, कोफ्ता के साथ। और ऐसी अलग से भर के भी रखी है? ये चार तरह की चटनी है? नहीं, ये दो तरह की है, ये सेम है, ये सेम। ये दही पुदीने की है और ये मीठा आम की है। अच्छा, तो एक कचौरी लगाना भी है, प्याज की कचौरी लगा दो। मतलब ये ऐसी रोटी खाते है? नहीं, चटनी के साथ। चटनी के साथ? ये किसने पैकिंग में देते? ये पैकिंग का है, खाने का है। अच्छा, ये खाओ चटनी, ये देखो, देखो इस तरीके से उसमें ये चटनी डालते हैं। दोनों चटनी के साथ सम्राट जी की कचौरी, वही सम्राट जी की प्याज की कचौरी खाते हैं इनकी, जो दो कॉम्बिनेशन है चटनी के साथ। हाँ हाँ, खट्टी मीठी चटनी है यार, गजब भैया। सीरियसली भाई, टेस्ट था, खट्टी मीठी चटनी का टेस्ट था, मज़ा आ गया। तो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, ब्लॉग को। राम राम सर सभी को, खम्मा गणी सर, राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। ये भी ऐड करो, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।